टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच क्रिकेट का एक ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में गिने चुने लोग ही जानते हैं। इस कनेक्शन का खुलासा अब खुद तेजस्वी यादव ने किया है। ये तो लगभग सबको ही पता है कि राजनीति में उतरने से पहले तेजस्वी भी क्रिकेटर ही थे और यहाँ तक कि आईपीएल में भी खेल चुके थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। तेजस्वी ने खुलासा किया कि जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो एक वक्त पर विराट कोहली भी उनकी कप्तानी में खेले थे। तेजस्वी यादव ने अपने क्रिकेट करियर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली एक समय में उनकी कप्तानी में खेले थे। भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी उनके बैचमेट्स हैं। वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे लेकिन इसका वो जिक्र नहीं करते हैं। उनके पैर के दोनों लिगामेंट टूट गए हैं, इसलिए उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा। तेजस्वी यादव के पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जब केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे तो उसी वक्त तेजस्वी का क्रिकेट करियर भी शुरू हुआ था। तब तेजस्वी यादव ने दिल्ली क्रिकेट में एंट्री ली थी और फिर 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में दिल्ली डेयर डेविल्स का हिस्सा बने थे। हालांकि उनका क्रिकेट करियर 2010 में 2 सालों बाद ही खत्म हो गया, जिसके बाद वो राजनीति में उतर गए। 34 साल के तेजस्वी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने क्रिकेट करियर को लेकर बात की और शिकायती लहजे में कहा कि कोई भी बात नहीं करता कि वो क्रिकेटर भी थे। तेजस्वी ने भी फिर कोहली के साथ अपने कनेक्शन के बारे में बताया कि दिल्ली के क्रिकेट के दिनों में वो कोहली के कप्तान भी रह चुके थे। असल में दोनों ने ही दिल्ली की अंडर 15 और अंडर 19 टीमों में एक साथ क्रिकेट खेला था और उसी दौरान एक वक्त के लिए तेजस्वी ने टीम की कप्तानी भी की थी। तेजस्वी ने करीब 10 साल पहले एक ट्वीट में भी विराट के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर कर इसके बारे में बताया था। हालांकि तेजस्वी को ना तो आईपीएल में ही मैच खेलने का मौका मिला और ना ही दिल्ली की सीनियर क्रिकेट टीम में चांस मिल सका। इसके बाद वो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ गए और इसके लिए उन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल 7 मैच खेले, जिसमें उन्हें बल्ले से सिर्फ 37 रन निकले। लेकिन तेजस्वी ने बताया कि उनका क्रिकेट करियर इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि उनके दोनों घुटनों के लिगामेंट में लगातार चोट लगती रही और फिर उन्हें क्रिकेट छोड़ना ही पड़ा। साल 2010 में उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था जिसमें 5 रन बनाए और 1 विकेट लिया था। क्रिकेट छोड़ने के बाद से ही तेजस्वी बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं और पिता लालू और मां राबड़ी देवी के बाद पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। इस दौरान वो बिहार के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में सबसे युवा नेता प्रतिपक्ष भी बने थे। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां वो फिर से अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़24।